पुलवामा हमले में शहीद जवानों के परिवार के लिए छात्र छात्राओं ने धनराशि एकत्रित कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष भेजी। MDS यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर शहीद जवानों के लिए सहयोग किया। अजमेर देश के वीर जवान जिन्होंने सीमा पर देश सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको देश का युवा कभी नहीं भूल पाएगा। गत वर्ष पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने CRPF जवानों पर कायराना हमला किया था, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए MDS यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने आज यूनिवर्सिटी परिसर में घूमकर 13,700 रुपए की सहायता राशि एकत्रित कर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली भेजे। इस अवसर पर छात्र नेताओं का कहना है कि देश के युवाओं को वैलेंटाइन डे न मनाकर 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आज MDS यूनिवर्सिटी में हमने ब्लैक डे सेलिब्रेट किया है। लास्ट ईयर 14 फरवरी 2019 में पुलवामा पे अटैक हुआ था, तो उस कॉज के तहत आज हमने डोनेशन इकट्ठा किया स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स से। हम सब ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और आगे भी जो नेशनल कॉज पे जो भी एक्टिविटीज़ बेस्ड रहेगी, हम आगे भी अश्योर करते हैं कि हम ऐसा चीज़ को और आगे ले जाएंगे और डोनेशन एंड रिलीफ फंड आगे भी भेजते रहेंगे। सरस्वती विश्वविद्यालय के कैंपस में हम छात्रों ने मिलकर 14 फरवरी को 2019 को जो पुलवामा में 44 CRPF के जवानों शहीद हुए थे, उनको लेके आज हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में 13,700 रुपये की राशि इकट्ठी की है, जो सैनिकों को, जो शहीद परिवारों को देंगे। और जिसमें पूरे विश्वविद्यालय के छात्र, स्टाफ, कर्मचारी सब साथ थे। आज हमने पिछले वर्ष जो अपने पुलवामा में जो शहीद सैनिक हुए थे, उनके परिजनों के लिए आज हमने 14 तारीख को शहीद दिवस मनाया है। साथ ही हमने उनके परिजनों को सहायता राशि देने के लिए पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में सभी छात्रों ने मिलकर सहयोग राशि इकट्ठी की, जो हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजेंगे, वहाँ से वो राशि उनके परिजनों को सपोर्ट कीजिए। आज MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर पुलवामा हमले के अंदर जो CRPF के 44 जवान शहीद हुए थे, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं से, शिक्षकों से, स्टाफ कर्मियों से घूम घूम कर हमने सहयोग राशि एकत्रित करी है। 13,700 रुपये राशि एकत्रित हुई और आज वो राशि हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंदर जमा कराने हेतु डिमांड ड्राफ्ट से भेज दी है। और मैं अपील करना चाहूँगा सभी कैंपसों के छात्र छात्राओं से कि वैलेंटाइन डे को न मनाकर इस दिन 14 फरवरी को अपने अपने कैंपस के अंदर, अपने अपने आस पड़ोस के अंदर और अपने अपने मित्रों के साथ में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि सभी को अर्पित करनी चाहिए।